नमस्कार, डिटेल्स मुख्य समाचार में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे केंद्र और राज्य सरकारों की बड़ी घोषणाएं, बड़े ऐलान, नए नियम, नए कानून, छुट्टियां, मौसम, नौकरियां समेत देश विदेश और आपके राज्य की 50 बड़ी खबरें। भारत की रक्षा ताकत को नई ऊंचाई पर पहुंचाते हुए हाल को महारत्न का दर्जा मिला। अब यह भारत की 14वीं कंपनी बन गई है जिसे यह प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हुआ है। वर्ल्ड अर्बन फोरम कायरो में नवंबर में होगा, जहां भारत शहरीकरण, आर्थिकी और जलवायु परिवर्तन पर अपनी रणनीतियों से दुनिया को मार्ग दिखाएगा। यह भारत के लिए खास अवसर है। केजरीवाल बोले, जम्मू कश्मीर की हालत दिल्ली जैसी, यहां भी सीएम से ज्यादा एलजी को पावर, उमर को सरकार चलाने में दिक्कत आए तो मदद करूंगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अल्जीरिया, मोरिटानिया और मलावी की ऐतिहासिक यात्रा पर रवाना हुई, जिसे भारत अफ्रीका तेल, गैस, रक्षा और अंतरिक्ष सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की उम्मीद है। रेलकर्मियों को अब HEMS ऐप से किसी भी स्टेशन पर ऑनलाइन चिकित्सा सुविधा मिलेगी। रजिस्ट्रेशन के बाद सभी मेडिकल रिपोर्ट्स और इलाज की सुविधा आसानी से उपलब्ध होगी। दिल्ली NCR में प्रदूषण से निपटने के लिए जल्द GRAP लागू होगा। वायु गुणवत्ता खराब होने के संकेत मिलते ही सख्त कदम उठाए जाएंगे ताकि स्थिति बिगड़ने से पहले नियंत्रण हो सके। इजरायली PM नेतन्याहू ने रतन टाटा को याद करते हुए शोक व्यक्त किया और PM मोदी को संदेश भेजा। कहा, टाटा ने भारत इजरायल संबंधों को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। केंद्र सरकार ने पानी बचाने के लिए बड़ा कदम उठाया। अगले मानसून से पहले 10 लाख जल संचयन साइट्स बनेगी। डैम चेक, रिचार्ज कुएं और जन भागीदारी से पानी बर्बाद नहीं होगा। PM मोदी ने भारत मंडपम में PM गतिशक्ति अनुभूति केंद्र का औचक दौरा किया। कहा, गतिशक्ति से भारत अपने विकसित देश के सपने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। प्रगति और नवाचार को मिलेगा बल। बाबा सिद्दकी की हत्या का आरोपी बोला, मैं नाबालिग। चौथे आरोपी अख्तर की पहचान हुई, इसी पर शूटर्स को किराए पर कमरा दिलाने का शक। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए शुक्रिया। कोलकाता रेप मर्डर, एक और डॉक्टर की हालत गंभीर। भूख हड़ताल से कुल 3 डॉक्टर अस्पताल में भर्ती। 77 डॉक्टरों ने इस्तीफे की धमकी दी। FAIMA ने दी पूरी देश में सेवाएं बंद करने की चेतावनी। IMA ने किया देशव्यापी भूख हड़ताल का ऐलान। 15 अक्टूबर को सुबह से शाम तक अनशन करेंगे डॉक्टर। अब गांवों के विकास में भाषा बाधा नहीं बनेगी। पंचायती राज मंत्रालय ने ई ग्राम स्वराज पोर्टल को स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कराकर संवाद को आसान बनाया, जिससे जन प्रतिनिधि सीधे शासन से जुड़ सकेंगे। मुंबई में NCP नेता बाबा सिद्दकी की सरेआम हत्या पर राहुल गांधी का गुस्सा फूटा। शिंदे सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा, सरकार हत्या की जिम्मेदारी ले और न्याय दिलाए। हरियाणा में BJP ने CM चुनने के लिए अमित शाह और मोहन यादव को ऑब्जर्वर बनाया है। 16 अक्टूबर को विधायक दल की बैठक होगी। 17 को नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होगा। PM आवास योजना की सब्सिडी शर्तों के उल्लंघन पर वापस ली जा सकती है, जिससे होम लोन की EMI बढ़ जाएगी। सरकार ने इसके नियमों को सख्ती से लागू किया है। पंजाब में धान खरीद में देरी के विरोध में किसानों ने हाईवे और रेल ट्रैक जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया। सरकार को अल्टीमेटम दिया, जिससे आम जनता को भारी परेशानी झेलनी पड़ेगी। पराली जलने से रोकने के लिए पंजाब हरियाणा में 26 केंद्रीय टीमें तैनात की गई है। 454 घटनाओं पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए। FIR भी दर्ज होगी। बाबा सिद्दकी की हत्या पर अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, ये लोग पूरे देश में गैंगस्टर राज कायम करना चाहते हैं और BJP के खिलाफ जनता से एकजुट होने की अपील की। खड़गे के बेटे ने कर्नाटक सरकार को जमीन लोटाई ट्रस्ट के लिए दी गई थी 5 एकड़ जमीन। मुड्डा स्कैम की जांच के बीच उठाया कदम। उद्धव ठाकरे ने महायुति को CM कैंडिडेट घोषित करने की चुनौती दी। बोले, पहले वो नाम बताए फिर हम करेंगे खुलासा। शरद पवार बोले, जनता को इस प्रकार से छुटकारा दिलाना है। राहुल गांधी ने अग्निपथ योजना पर कड़ा सवाल उठाते हुए कहा, क्या एक सैनिक की जान दूसरे से कम कीमती है? अग्निवीरों को दर्दनाक मौत ने इस योजना की नींव पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। उद्धव ठाकरे ने शिवाजी पार्क में खुद को असली शिवसेना बताते हुए RSS से प्रमुख मोहन भागवत के विचारों पर सवाल उठाए। दूसरी ओर CM शिंदे ने आजाद मैदान में कहा कि विद्रोह नहीं करते तो शिव सैनिक कुचले जाते और महाराष्ट्र पीछे चला जाता। राजनाथ सिंह ने 2236 करोड़ की BRO की 75 परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिनमें 22 सड़कें, 51 पुल शामिल। उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान समेत 11 राज्यों को बड़ा फायदा मिलेगा। ब्रिटेन के पूर्व PM बोरिस जॉनसन ने PM मोदी की तारीफ करते हुए कहा, उनमें विचित्र सूक्ष्म ऊर्जा है। 2012 में ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें मोदी से मिलने से मना किया था।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कर वितरण में राज्य को कम राशि मिलने पर केंद्र से सवाल किया। बोले, यूपी को 31,987 करोड़ और हमें सिर्फ 6,498 करोड़ क्यों मिले। बाबा सिद्दकी की हत्या के बाद सलमान की सिक्योरिटी बढ़ी। सुनील दत्त को मेंटोर मानते थे सिद्दकी, इफ्तार पार्टी में खत्म कराई सलमान शाहरुख की दुश्मनी। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी बीमार मां से मिलने उत्तराखंड पहुंचे, जो हिमालयन हॉस्पिटल में भर्ती है। बद्रीनाथ यात्रा का भी कार्यक्रम गोपनीय रखा गया। बाबा सिद्दकी की हत्या का राजनीतिकरण न करे, अजीत पवार ने विपक्ष से की अपील। रतन टाटा को श्रद्धांजलि देते हुए चंडीगढ़ के जौहरी वरुण टंडन ने 11,000 हीरो से उनकी अद्भुत तस्वीर बनाई, जिसे देखकर हर कोई भावुक हो गया। मदरसों को वित्तीय सहायता रोकने पर भड़के अजय राय, बोले, सभी मदरसों को बंद करना गलत, सिर्फ गड़बड़ी वाले मदरसों पर कार्रवाई हो, बीजेपी और आरएसएस प्रमुख पर भी कसा तंज। बिहार में बाढ़ से मची तबाही का आकलन करने में जुटी नीतीश सरकार, सभी विभागों से मांगी गई नुकसान की रिपोर्ट। एचआरटीसी को घाटे से निकालने के लिए सुक्खू सरकार का प्लान तैयार, डीजल पेट्रोल नहीं, अब ई वाहनों में सफर करेंगे अधिकारी। बेंगलुरु में 17 अक्टूबर को कुकुर तिहार मनाया जाएगा, जो कुत्तों की सकारात्मक भूमिका और बहुमूल्य योगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए आयोजित किया जाता है। बीबीएमपी इसकी तैयारी में जुटा। मोदी सरकार बुजुर्गों के लिए बड़ा तोहफा देने जा रही है, 70 साल से ज्यादा उम्र के 6 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य पैकेज में बढ़ोतरी से सीधा लाभ मिलने वाला है। उमर अब्दुल्ला के मंत्रिमंडल में युवा व नए चेहरों को मिलेगी प्राथमिकता, बुजुर्गों को सौंपा जाएगा संगठन का काम। दिल्ली पुलिस ने जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और 20 समर्थकों को हिरासत में लिया, वे लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग पर लद्दाख भवन के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। संजोली मस्जिद विवाद में नया मोड़, मुस्लिम पक्ष ने नगर निगम शिमला के फैसले को चुनौती देने का फैसला किया, मस्जिद कमेटी रणनीति बनाएगी, हिंदू पक्ष ने केवियट दाखिल की। कोरोना काल में फरिश्ते की तरह बाबा सिद्दकी ने की थी लोगों की मदद, जान बचाने को दवाएं तक पहुंचाई थी। बिहार में जन्मे बाबा सिद्दकी, जिन्हें दाऊद ने धमकी दी थी, बांद्रा से 3 बार विधायक बने और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहे, फिल्म इंडस्ट्री में भी उनका खासा दबदबा था, शनिवार रात उनकी हत्या हो गई। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का तंज, बीजेपी महात्मा गांधी और सरदार पटेल जैसे महान नेताओं का सम्मान करती है, लेकिन फर्जी गांधियों का नहीं, पीएम मोदी बापू के सिद्धांतों पर चलते हैं। कर्नाटक में अवैध रूप से रह रहे 8 बांग्लादेशी गिरफ्तार, भारत में रहकर बनवा लिए फर्जी आधार कार्ड। अब जानिए मौसम अपडेट। दिल्ली में उमस बरकरार, यूपी में अगले 2 दिन बारिश नहीं होगी, जबकि राजस्थान में मानसून के बाद भी बारिश जारी, तमिलनाडु केरल और गुजरात में भी बारिश का अलर्ट। तमिलनाडु रेल हादसा, इंटरलॉकिंग सिस्टम में खामी की आशंका, एक्सपर्ट बोले इस खामी के बारे में रेलवे में सब जानते हैं, कोई स्वीकार नहीं करता। आंध्र प्रदेश में सास बहू से गैंगरेप, 5 आरोपी घर के बाहर हंगामा कर रहे थे, रोका तो उनके पतियों को बंधक बनाकर रेप किया। पूर्व सांसद नवनीत राणा को गैंगरेप की धमकी, आरोपी ने फोन नंबर बताया, लिखा पाकिस्तान जिंदाबाद, 10 करोड़ की फिरौती भी मांगी। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है, कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो पर कम से कम 1,000 लाइक देंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स, जल्द पूरे होंगे आपके सारे व्यूज।